हेलो एंड वेलकम बैक एक बार फिर से आप सभी का वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स में। चाइना पिछले ऑलमोस्ट एक साल से बार बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ कर रहा था, कभी ड्रोन्स लेकर तो कभी जेट्स लेकर। मगर आज ताइवान ने मानो फाइनली ये ठान लिया कि बस अब हो गया, अब और नहीं। ताइवान ने क्या किया कि शाम को 6 बजे के करीब जब एक चाइनीज ड्रोन ताइवान के एरदान आइलेट के आसपास मंडरा रहा था, तभी अचानक से ताइवान ने उसके ऊपर लाइव राउंड्स फायर कर दिए। और जैसे ही ये वार्निंग राउंड्स उस ड्रोन पर फायर किए गए, उसके कुछ समय बाद ही वो चीनी ड्रोन चुपचाप वापस मुड़कर चीन की ओर रवाना हो गया। दरअसल ताइवान के ऐसे जवाबी कार्रवाई करने के पीछे का कारण ये है कि ताइवान के प्रेसिडेंट सा इंग वेन ने ताइवान के डिफेंस फोर्स को ये आदेश दे दिया था कि वो बहुत ही कड़े काउंटर मेजर्स यानी कि जवाबी कार्रवाई करे। उन्होंने ये स्टेटमेंट तब दिया था जब वो पेंगू आइलैंड गई थी, जहां पर वो फ्रंट लाइन ट्रूप से मिली ताइवान की। अब आप इस बात की एक छोटी सी क्लिप देख लीजिए जहां पर प्रेसिडेंट वेन यही सेम चीज ताइवान की जनता और उसके डिफेंस फोर्सेस को कह रही है। अब इसके बाद यहाँ पर उठते हैं दो प्रश्न। पहला प्रश्न कि क्या ताइवान के तरफ से कार्रवाई जरूरी थी और इसमें इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होना चाहिए। तो आइए पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। ताइवान के तरफ से ये चीज करना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि शुरुआत में जब चीन ने ये सब हरकतें चालू की थी तो पहले सिर्फ एक ड्रोन या एक जेट था। बट जैसे ही करीब करीब 6 या 8 महीने पार हो गए, तो उसके बाद बहुत बार चीन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाते हुए 15 से 18 फाइटर जेट लेकर भी वो बहुत बार ताइवान के एयर स्पेस में घुसा है, जो कहीं ना कहीं ताइवान के डिफेंस फोर्सेस का मनोबल ओवर द लॉन्ग रन या फिर बहुत समय तक धीरे धीरे कमजोर भी करता है। क्योंकि अगर कोई देश की डिफेंस फोर्स देख रही है कि जो एरिया उनका है उसमें किसी और के जेट्स घुस जा रहे हैं और बिना कोई हानि के बाहर निकल भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इन डिफेंस फोर्सेस पर मनोवैज्ञानिक दबाव जरूर बनता, बट जो अब धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि अब जब भी कोई भी ड्रोन फाइटर जेट या कुछ भी चाइना की तरफ से आएगा तो उसे कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा ताइवान की तरफ से। और अगर इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो इतने समय से जब ताइवान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था तो वो कहीं ना कहीं इंडिया पर और प्रेशर बनाए जा रहा था कि जब ताइवान पर हमला होगा ताइवान जरूर कमजोर रहेगा और इंडिया को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब क्या हुआ है कि इंडिया की मेहनत लगभग आधी हो गई है, क्योंकि ताइवान के डिफेंस फोर्सेज भी अगर अपनी पूरी क्षमता से लड़ेंगे तो वो कम से कम चाइना को कुछ तो टक्कर दे पाएंगे, और वो जितनी देर टक्कर दे पाएंगे उतना देर ही काफी है, चाहे वो भारत के लिए हो या फिर अमेरिका के लिए हो, अपनी पूरी फोर्स लेके ताइवान की मदद के लिए उतर जाना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।